चलने से पहले मैंने उड़ना सीखा है, चलने से पहले मैंने उड़ना सीखा है, सपने मैंने खुली आंखों से देखे, संग हो जाओ तुम भी, मिल जाएंगे पंख तुम्हारे सपनों को भी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूं इस बार उड़ान के साथ। उड़ान, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। ऐसे बच्चे जिन्होंने चलने से पहले उड़ना सीख लिया, ये मुलाकातें जो हम करने जा रहे हैं, ऑल दीज टॉक्स विच आई एम गोइंग टू डू आर विथ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोडिजीज हु आर डूइंग सो अमेजिंगली वेल इन देयर लाइफ एंड हैव बिकम एन इंस्पिरेशन टू मेनी ऑफ अस। सो लेट अस मीट अ फ्यू ऑफ देम थ्रू दिस पॉडकास्ट। सी यू एवरी वीक इन दिस पॉडकास्ट एंड आई होप योर चिल्ड्रेन और प्रॉब्ली यू योर सेल्फ इफ यू आर अ यूथ will be inspired by these children. नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड ऑफ उड़ान के साथ, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। एंड टुडे वी हैव विद अस वेरी डायनामिक आर्यन सिंह। वेलकम आर्यन टू द पॉडकास्ट। हेलो सो आर्यन इज द फाउंडर ऑफ मेरा साथी एग्रोटेक। यस, अ यंग अचीवर एट दिस यंग एज, ही इज ऑलरेडी अ फाउंडर एंड रिसिपियंट ऑफ द अवॉर्ड फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। And he will now introduce himself with lot more things. I request Aryan to please introduce yourself. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आर्यन सिंह एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम कोटा, राजस्थान। एंड करंटली आई वाज स्टूडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज। आई एम परस्यूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड जस्ट रिसेंटली आई हैव रजिस्टर्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कॉल्ड मेरा साथी एग्रोटेक। एंड वी आर वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबल विद टेक्नोलॉजी, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट द अफोर्डेबल प्राइस टू द फार्मर्स। Very wonderful, very wonderful. I think we can have a little more louder voice, Aryan. Okay. Before we go further, I will request Aryan to put his voice in a more louder way so that we can really, really hear him all out. So, as we found out that he is into agriculture, because the name itself says agrotech. So, how come at this young age you were able to get these kind of ideas? So, when did it all start for you? Please share that. कब से शुरुआत हुई? लाइक आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम द फार्मिंग फैमिली एंड एज वी नो दैट नाउ डेज और इन प्रीवियस डेज दे नीड डिफरेंट मशीन एंड डिफरेंट इक्विपमेंट टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी। आई हैव टारगेटेड द इशू लाइक आखिर हर किसान को एक अलग मशीन क्यों, और उसी कॉन्सेप्ट पर फिर मैंने वर्क करना चालू किया। और मैंने नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन को एक प्रपोजल दिया कि क्यों ना उनके साथ मिलकर एक ऐसी इनोवेशन की जाए, ऐसा एक प्रोडक्ट इनोवेट करें जो फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल हो और उनको जो अलग अलग काम के लिए जो अलग अलग मशीनें चाहिए होती हैं वो अफोर्डेबल रेट पर एक ऑल इन वन के कॉन्सेप्ट पर उनको अलॉट हो। और उसी कॉन्सेप्ट पर आज हमने उसके ऊपर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। So Aryan, we just heard you speaking that what inspired you, because you are already belonging to a farmer background. आपके घर में सब पहले से फार्मिंग करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट आया, आपने देखा कि जो फार्मर्स हैं वो अलग अलग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, अलग अलग चीजों के लिए, कटिंग के लिए अलग है, सीविंग के लिए अलग है, तो आपको ये आइडिया आया कि आपने ये किया।
लेकिन छोटे से उम्र में ये सब तो मतलब देखते भी नहीं है बच्चे कि क्या हो रहा है आसपास उनके। आपने ये सब देखा और फिर उस पे थोड़ा सा सोच विचार करके आपने प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर दिया उसके लिए। तो लेकिन पढ़ाई भी करनी जरूरी थी, आपने पढ़ाई भी की है, अब आप कॉलेज में आ गए हैं, तो व्हाट हाउ वर यू एबल टू बैलेंस, कैसे बैलेंस कर पाए आपकी, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं कुछ इनोवेशन भी कर रहे हैं, ये सब कैसे किया आपने? वैसे इसकी शुरुआत ऐसे ही हुई है कि जैसे कि मैं खुद एक फार्मिंग फैमिली से हूँ, मैंने भी प्रॉब्लम फेस की है। हमारे पास खुद यानी वो हाई इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो हम जैसे जो हमारी कैटेगरी में क्या होता है कि अगर किसी के पास वो इक्विपमेंट नहीं है तो वो रेंट बेसिस पर लेते हैं। रेंट बेसिस पर भी मशीनरी काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें पर घंटे आधे घंटे के हिसाब से वेरी करते हैं उसके चार्जेस। तो वो काफ़ी एक मुझे प्रॉब्लम फेस हुई कि, और दूसरा ये भी था कि फार्मर्स की ये भी एक इशू है कि सीज़न कोई सा भी हो उनको वर्क करना होता है, चाहे वो अब सर्दी गर्मी या मोस्टली तो जो सनी डेज होते हैं उसमें वर्क करना होता है उन्हें, और सब मैनुअली होता है वहाँ पे। फार्मर्स आजकल के टाइम पे लेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूजिंग ट्रेडिशनल एंड गिविंग द प्रायोरिटी टू द ट्रेडिशनल मेथड लाइक लाइक वेरियस वेरियस वी कैन सी। Then I have seen why we need different machine for different activity. Then I have got an idea, and it was under the Atal Innovation Mission. Like Atal Innovation Mission is a part of Niti Aayog, and they have organized one event called All India App Innovation Challenge. And उनके द्वारा कई सारी ऐसे innovations event आती रहती ताकि वो students को support करें उनके लेवल पर कि जो उनका आइडिया है कॉन्सेप्ट है उस पर वो बियॉन्ड जा सकें। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हमने हमारा आइडिया प्रेजेंट किया जहाँ पे उनके द्वारा सपोर्ट मिला। दिल्ली में जो अपना CSIR डिपार्टमेंट है, हमने जो हमारा फर्स्ट मॉडल बनाया था वो उनके द्वारा वैलिडेट किया गया, खुद नीति आयोग ने इसको वैलिडेट किया, और भी इसको कई जगह से प्रोत्साहन मिला। तो इसकी शुरुआत वैसे इसको नॉर्मल एक स्कूल प्रोजेक्ट से हुई है, जैसे इसके ऊपर मैंने वर्क अपने जब मैं 10th में था तो 10th से ही चालू कर दिया था, और अभी भी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ जो अपने कॉलेज में हूँ। कॉन्सेप्ट मेरा भी यही था कि जैसे जॉब नहीं करनी है, जॉब देनी है, जॉब सीखना ना बन के लोगों को जॉब देनी बिल्कुल है। बहुत अच्छी है, लेकिन बैलेंस क्या क्या, हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि हमारे को बैलेंस कैसे कर रहे थे आप, जब आपने 10th में ये सब शुरुआत करी तो आपकी 10th के बोर्ड के एग्जाम भी थे और आपको पढ़ाई भी करनी थी और ये सब भी आप कर रहे थे, तो ये बैलेंस कैसे कर पा रहे थे आप? मैं मेरे वर्किंग आवर्स में से मॉर्निंग आवर्स अपना जो है वो अपने प्रोजेक्ट को देता था, और अपने जो इवनिंग आवर्स हैं टिल द नाइट मैं अपने एजुकेशन को देता था, क्योंकि हमें एक बैकअप सपोर्ट यानी एक वो रखना भी चाहिए कि यानी पेरेंट्स का भी काफ़ी फोर्स था, 12th तो करनी है, आगे डिग्री भी करनी है, बट अब उतना नहीं है। अब तो जैसे खुद की एक कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, गवर्नमेंट के साथ भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो उसमें अभी वेरियस सपोर्ट्स हैं, बट इसी ऐसे ही मैनेज किया है कि मॉर्निंग इवनिंग के साथ। तो दिमाग में क्या चलता था आपको कि भाई 10th तो पास करनी है, ये भी साथ में चलेगा, उस समय आपने सोचा था कि आपको इतने सारे कुछ इनाम मिलेंगे, कि इनाम के लिए तो हम नहीं बना रहे थे ना ये सब, तो एक नहीं खाली नहीं एक ये हाँ इनाम तो ऐसा कहा जा सकता है कि चलते गए और वो मिलता गया। मेरा सबसे यूनिक चीज़ ये है कि मैंने आज तक किसी भी अवार्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं किया जो मेरे कांटेक्ट में थे, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे मेंटर्स हैं, इन लोगों ने ही उसको अप्लाई करते गए। यानी ये एक ट्रुथ है कि जितने भी अवार्ड मुझे अब तक मिले उसमें से मैंने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। और हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि इसको हर घर पहुंचाना है, तो अलग अलग जगह पे इसको शो करना, अलग अलग एक्सपोज में पार्टिसिपेट करना, तो वो यही आपका था। काम था। हाँ हाँ तो कोई ऐसी कोई याद है, कोई ऐसी मेमोरी है जो आप हमें बता सकते हैं कि भाई ये आपको एक इंस्पिरेशन रह गई आपके लिए, या कुछ ऐसे कोई ऐसा वाक्या है जो आपको याद रहेगा हमेशा? दो इंसिडेंट हैं जो मुझे अपने काम के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं। पहला तो प्रायोरिटी वही है कि जब मुझे अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, और जिसकी वजह से सम्मानित किया गया उसके 1 वीक पहले ही उनकी बाय इंसिडेंट डेथ हो गई थी। और दूसरा ये है कि आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट्स की कई स्कीम्स आ रही हैं, तो उनके द्वारा एक इनोवेशन इवेंट लॉन्च किया गया, अटल इनोवेशन ऑल इंडिया अटल
ऐप इनोवेशन चैलेंज अटल जी के मेमोरी में। तो उस इवेंट्स में वो ओपन चैलेंज था जिसमें कोई भी स्टूडेंट, कोई भी डेवलपर, कोई भी इंजीनियर उसमें पार्ट कर सकते थे और उसको गवर्नमेंट से फिर रिकग्निशन मिलता, गवर्नमेंट का फिर सपोर्ट मिलता। तो फिर हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और जो मेरा बनाया हुआ ऐप था उसको वहाँ पर भी हमें फर्स्ट पोजीशन मिला, जिसमें हमें वेरियस सपोर्ट्स मिले थे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से, जो अपना जैसे स्टैम्पीडिया है, रोबोटिक इक्विपमेंट डिज़ाइन करती है। तो उसमें हमें सबसे पहले हमारा ऑल इंडिया ऐप इनोवेशन चैलेंज में फर्स्ट पोजिशन मैंने ग्रैब की थी। तो वो ये दो हम इंसिडेंट मुझे मोटिवेट करती हैं कि कुछ कर सकते हैं। हाँ कर हाँ सकते हैं, एवरी वन हैज हाँ पोटेंशियल टू डू समथिंग डिफरेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपने मुझे जब बताया था, अभी आप पूरा विस्तार पे नहीं बता पाए कि जो आपको आपके दादाजी थे जिन्होंने आपको मोटिवेट करके रखा हुआ था, लेकिन उनका निधन हो गया था हाँ, आपके अवार्ड मिलने के एक हफ्ते पहले, जो एक आपको बहुत हफ्ते दुख पहले। हुआ था उसके वजह से आपको, कि हाँ, जिनके लिए आप क्योंकि कर रहे थे, जो हाँ आपको मोटिवेट कर रहे थे यानी उनके उनको साथ। होना चाहिए था उस टाइम पर, क्योंकि वो डिजर्व कर देते। राइट, वो आपकी जो खुशी आप उनके साथ बांटना चाहते थे वो आप नहीं बांट पाए, लेकिन आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड। जहाँ पे भी वो है वो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उनका जो पोतरा है उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, एंड ही विल बी रियली रियली प्राउड ऑफ यू एज ए ग्रैंड सन। यू हैव डन वेरी गुड फॉर हिम। या एंड अभी हम बात भी कर रहे हैं, तो जब हम उनके बारे में बड़े लोगों के बात करते हैं तो वो हमारे साथ जीवित रहते हैं, वो कभी नहीं जाते हमारे हमारे बीच। और दूसरा आपने जो बताया ऐप का, तो उसमें भी हमने थोड़ी विस्तार में बात करी थी कि वो ऐप में बहुत बड़े बड़े अलग अलग तरह के लोग आए थे, लेकिन आप जो बहुत छोटे थे उस समय, और फिर भी आपने फर्स्ट प्राइज लिया, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपके लिए कि वो आप कर पाए थे उनके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आई एम श्योर दीज टू थिंग्स एज यू से आर अ मोटिवेटिंग फैक्टर इन योर लाइफ, बिकॉज वेन यू लुक बैक ऑन दीज इंसिडेंट्स यू विल फील दैट कि ओके नाउ दैट टाइम आई वॉज एबल टू डू इट, सो आई कैन डू इट इवन नाउ एज आई एम ग्रोइंग अप, आई विल हैव मोर पोटेंशियल टू डू राइट। जी बिल्कुल। तो अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत बस बड़ा आसान से ये सब कुछ हो रहा था, कि आपने ये किया फिर वो हुआ ऐसा हुआ और बस आपको अवार्ड मिलते चले गए और बहुत आसानी से सब कुछ चल रहा था, लेकिन आई एम श्योर नहीं लॉट ऑफ नहीं चैलेंजेस हाँ आए होंगे बीच में। हाँ तो हाँ चैलेंजेस के बावजूद आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाए? हाँ लाइक आई जी हैव हाँ लाइक आई हैव गॉट मैनी चैलेंजेस इन द फील्ड दैट आई हैव टेकन। यानी किस सेक्टर में हमें हमारी R&D पे हमें पहला प्रायोरिटी देनी होती है कि जो हम वर्क कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है। तो कई इस तरीके से बैरियर्स आए और कई एक एज इशू भी आया कि कोई जैसे कितना भी बोले कि हमें जो भी करना चाहिए, बट एक पर्टिकुलर एक एज इशू काफ़ी हमें आया इस फील्ड में। क्योंकि अगर कहीं से कोई सपोर्ट है तो किसी अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसको कुछ उतना सोचना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट चाहे तो अब बैंक से कांटेक्ट कर सकता है या गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी बेसिस पे कुछ ले सकता है। बट मेरी एज पे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था जो मैं डायरेक्ट किसी पे किसी जैसे किसी अथॉरिटी से जाके बात कर सकूं या उनको मोस्टली तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। कई लोगों को मेन तो होता है कि उस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अपने आप को आपने मोटिवेट कैसे रखा? थोड़े चैलेंज तो आ रहे थे, लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेट रखना कि नहीं ये मेरा रास्ता है, मुझे इसी रास्ते पे चलना है और आगे बढ़ते रहना है, तो मोटिवेट कैसे किया अपने आप को आपने? मोटिवेशन बस यही थी मेरे लिए कि अपने प्रोडक्ट को एक जो ऐसा अफोर्डेबल कॉस्ट पे हम बना रहे हैं उसको हर घर पहुंचाना चाहते हैं, और यही बात हमें मोटिवेट करती है कि आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाना है। वेरी गुड वेरी गुड, वंडरफुल। फॉर द फ्यूचर, व्हेन वी थिंक ऑफ द फ्यूचर जनरेशन दैट वी वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इट रियली गिव्स अ लॉट आउट ऑफ मोटिवेशन टू अस। बहुत सही बताया आपने कि आपको जैसे लगा कि एज की वजह से, तो वो मेरे बहुत सारे जो बच्चे अभी तक मैं जिनका इंटरव्यू ले चुकी हूँ, ये वाला जो चैलेंज है ये बहुत सारे बच्चों के साथ आता है, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है कि छोटे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, चाहे वो वीजा इंटरव्यू के लिए उनको जाना हो और वहां पे बोलते हैं कि नहीं आप इतनी छोटी उम्र में ये ऐसा काम करने नहीं जा सकते, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है तो आप नहीं जा सकते क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है,
या फिर कोई दूसरी पॉलिसी के अंतर्गत कोई सब्सिडी लेनी हो या कुछ लेना हो तो भी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना बनानी हो तो वो बच्चे फाउंडर नहीं बन सकते, वो भी एक दिक्कत आ जाती है बहुत सारे बच्चों के साथ, ये भी हुआ है। तो आई एम श्योर पीपल, जो जो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इस पॉडकास्ट में, जो सुन रहे हैं लोग, वो थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रहेंगे कि भाई बच्चों भी बहुत सारे हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमें उनकी तरफ भी अलग से कुछ एक्सेप्शंस बना लेनी चाहिए। भाई थोड़ा सा आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए एंड वी कैन सपोर्ट देम। इम्पोर्टेंट इज टू सपोर्ट द पर्सन हु इज डूइंग सम गुड इन द सोसाइटी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में और बताएं हमारे को, चैलेंज तो आपने बता दिए, अब थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताएं आपके, जो आप बता रहे हैं कि वो कैसा है। जो प्रोडक्ट है वो फुली IoT एंड AI इनेबल्ड है, जो मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकता है, कस्टमाइजेबल है, कस्टमाइज किया जा सकता है जैसा हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे हम सीडिंग, कटिंग, इरिगेशन या स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए भी उसको यूज में ले सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग है। और हाँ, ये मार्केट में जल्दी अवेलेबल होगा। 3 वेरियंट्स में ये आता है। पहला जो मॉडल है ये 25,000, दूसरा जो है 50, एंड थर्ड वन जो है वो 1.5 लाख। इस वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है, जो फीचर्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है और कंपेयर टू अदर इक्विपमेंट्स काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। ये आजकल जो मिनी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं उनका ये स्मार्ट वर्जन मान सकते हैं आप। वेरी गुड। तो अलग अलग मॉडल्स में भी आ रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग बिकॉज ऑफ द हाँ काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट इज प्रोवाइडिंग, जो जो हाँ फीचर्स हैं उसके हिसाब से इसके उनको। मैं 2 USP आपको बताऊंगा। पहला जो है ये क्रॉप डिटेक्शन कर सकता है, क्रॉप एनालाइज कह सकते हैं, जैसे क्रॉप को क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उसको क्या डिजीज है, कलर कोडिंग के हिसाब से की जा सकती है। दूसरा, इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक पावर बैकअप मॉड्यूल हमने डिजाइन किया है, तो हम रोवर को, रोबोट को जितना हम चलाएंगे उतना ही उसके अंदर एनर्जी बैकअप बनेगा। तो सफिश तो एनर्जी ये कंजम्पशन भी कम हो जाएगी उसकी, वो खुद ही कम हो चलता रहेगा तो जाएगा। इसकी एनर्जी होएगी वो। तो ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं दोनों की, अगर वो आपका क्रॉप में बता भी पा रहा है कि इसमें कोई बीमारी है नहीं है क्रॉप में, डिजीज कुछ इन्फेक्शन आया है कि नहीं आया है, इफ इट इज डिटेक्टिंग दैट, इट इज डूइंग ऑल द बेसिक कटिंग सीविंग इरिगेशन वो भी काम कर रहा है वो, और साथ साथ फिर ये भी अपनी एनर्जी भी खुद ही जनरेट कर पा रहा है वो, तो दैट इज वेरी वेरी एफिशिएंट आई मस्ट से, दैट प्रोडक्ट इज रियली रियली एफिशिएंट। तो अब आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिला है आगे प्रोत्साहन, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी सपोर्ट मिला है। मैं जब बहुत सेंट्रल प्लस स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमें वर्किंग स्पेस मिला है, और जो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग है उनसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट होता है, जो उनके द्वारा भी हमें कई लैब दे रखी हैं जिसमें हम सारे इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अब आर्यन ये बताना चाह रहे हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो एक इंजीनियर पढ़ लिख के बहुत आगे जाके कर रहा था, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम इतना ज्यादा पढ़ें और IIT करें और आगे जाके फिर और मास्टर्स करें और फिर यही करना है हमारे को, तो इससे अच्छा है कि हम पढ़ते पढ़ते ही ये सब काम शुरू कर दिया उन्होंने। सो हिज मोड इज दैट ही वॉन्ट्स टू बी एन एंटरप्रेनर हु वॉन्ट्स टू गिव काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉट मैनी पीपल टू अर्न। अपने साथ वो बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं जो कि आगे बढ़े उनके साथ, बनिस्पत इसके कि वो कहीं किसी कंपनी में जाके अपनी एक तनख्वाह में काम करे। ही इज बिकमिंग अ एंटरप्रेनर बाय हिमसेल्फ, ही हैज ऑलरेडी अ स्टार्टअप, ही इज ऑलरेडी सिटिंग इन हिज ओन ऑफिस एंड ही हैज हिज ओन कलीग्स देयर। कितने लोग हैं आपके साथ जो आप मिलके काम कर रहे हैं? आप म्यूट पे चले गए हैं आर्यन। हमारी टीम में मैम 10 मेंबर्स हैं। 5 जो है जो टीम है हमारी, बाकी जो 5 मेंबर्स हैं उसमें हमारे पास इंटर्न्स हैं, जिसमें से 3 जो पर्सन है वो BTech हैं और 2 पर्सन जो हैं वो MTech हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई थी कि अभी ये फर्स्ट ईयर में है और इनके साथ जो इंटर्न्स काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं, तो विच इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आर्यन ऑल्सो एंड ऑब्वियसली फॉर योर पेरेंट्स। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि वो आपके पेरेंट्स आपके साथ लाइक आपके बारे में सोच के कितना खुश है और क्या सोचते हैं।
उनका भी काफ़ी अच्छा फीडबैक है। स्टार्टिंग टाइम में वो भी मोस्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को ही देते थे, क्योंकि एक पेरेंट की जो मेंटेलिटी होती है कि वो हर कोई चाहता है कि साइंस में प्लान। तो बिल्कुल ये मैंने भी फेस किया था, बट धीरे धीरे इस फील्ड में जो उन्होंने मेरी स्टेटस देखा कि जो मेरी मेरा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और उनका भी काफ़ी सपोर्ट है मेरे वर्क में। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप मैं अपने साथियों को जो आपके उम्र के लुक्स दूसरे बच्चे हैं मैसेज क्या देना चाहेंगे आर्यन? उनको यही कहना चाहूंगा कि जैसे आपको जो लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम एजुकेशन में इतना बिजी हैं, तो ये हमारे पास काफी टाइम है, उसको टाइम मैनेज कैसे करना है वो हमें देखना है। गवर्नमेंट के द्वारा काफी इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे मैं अभी MyGOV.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैंपस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इन दोनों जगहों का मैं अभी करंटली ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ कोटा राजस्थान का भी मैं डिस्ट्रिक्ट आइकन डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ। तो गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी स्कीम्स आती रहती हैं जिसमें गवर्नमेंट चाहती है वो आपको सपोर्ट करना चाहती है। बस यही है कि शुरुआत आपको करनी होगी, पहला कदम आपको लेना होगा, बाकी तो फिर गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है। और उनको यही कहूँगा कि कई सारी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें वो उनको भी अप्लाई करना चाहिए, जो जैसे मैंने जो मुझे सुविधा मिली, देखा जाए तो गवर्नमेंट ने या वो सुविधाएं सबको मिलती हैं, अब उसको मैंने ली है तो ये फ्रीली अवेलेबल था सबके लिए, तो बस स्टार्टिंग खुद को करनी है, शुरुआत तो में हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। अपने आप से शुरुआत कीजिए और फिर दिशा ढूंढिए, और आप आर्यन से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और भी जानकारी मालूम करनी है, तो यू कैन कांटेक्ट आर्यन हाँ एंड बिल्कुल, ही विल बी एबल टू, उनको आप संपर्क कर सकते हैं। ही इज ऑन लिंक्डइन, ही इज ऑन इंस्टाग्राम, एवरीवेयर ही इज देयर, ट्विटर पे है, आप उनसे संपर्क कीजिए। आपके पास कुछ आइडिया है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। देर आर सो मेनी वेज द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द यंग और टूडे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कम्युनिटी बिल्डिंग में भी विश्वास करता हूँ, तो अगर आप सब मुझसे भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास कोई एक पर्टिकुलर फील्ड की कोई ना कोई एक वो स्पेशली कोई टैलेंट होना चाहिए। एवरीवन हैज डिफरेंट टैलेंट एंड डिफरेंट एक्सपर्टीज, और उसका कई अलग इंटरेस्ट होता है। तो मेरा मानना ये है कि वो मुझसे जुड़ें, हम उनके वेरियस फील्ड्स को वेरियस हमारे नेटवर्किंग के थ्रू और भी कई सपोर्ट्स के थ्रू हम उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज वाइड ओपन, यू कैन ज्वाइन आर्यन इन बिल्डिंग अ न्यू वर्ल्ड, अ प्लेस वेयर एवरीबडीज पोटेंशियल विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड आई रियली अपील टू द यंगस्टर्स टू टेक हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एजेंसीज, हाउ दे कैन हेल्प यू इन रियली ब्रिंगिंग योर पोटेंशियल आउट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आर्यन, एंड रियली मोटिवेटिंग कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वैसे फार्मिंग थोड़ा दूर इंडस्ट्री होना। में बहुत कुछ बदल सकता है, वो बिल्कुल चेंज ला सकता है। और ऐसा सोच लाना ही बहुत बड़ी बात है कि किसी बच्चे में ये सोच आई है कि उसको फार्मर्स की हेल्प करनी। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव यू ऑन द शो आर्यन, एंड ऑल आर विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बताना चाहूंगा कि मेरी पूरी जर्नी में जो जिन दो पर्सन ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है मेरे चाइल्ड लेवल से और अभी तक और आगे भी हैं, तो मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ आपको। अच्छी बात है, हाँ, जरूर। मेरे साथ में ही हैं, मेरे मेंटर हैं जो जो मुझे नमस्कार। वेरियस फील्ड में पूरी हेल्प करते हैं, और दूसरे हैं ये मेरे को पार्टनर। गुड मॉर्निंग मैम, इधर। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप लोग ने जो मिलके काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम रियली होपिंग कि आगे चल के आपका जो काम है वो बहुत लोगों को फायदा पहुंचाएगा, और योर कंपनी विल रियली प्रॉस्पर वेरी मच। दैट इज माई विश एंड माई होप फ्रॉम ऑल ऑफ और यू। मैंने आपको जो बताया था जो भी अवार्ड्स मिले हैं, तो यानी मेरे थ्रू नहीं, मतलब जो भी एप्लीकेशंस हुई हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज हुई हैं वो यही करते थे। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आर्यन, और आर्यन से बात करके बहुत अच्छा लगा।
और आगे भी हम चाहेंगे कि कुछ और अच्छा हो, फिर हम दोबारा फिर से मिले। ठीक है, ठीक नमस्ते, थैंक यू आर्यन। है, थैंक यू।